अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं इस सहारनपुर ज़िले के रेलवे स्टेशन का नज़ारा। यहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। देखिए हम अंदर तक आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स है, क्योंकि किसान आज यहाँ पर रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए आए हुए थे और भारतीय किसान यूनियन वेदी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। ये देखिए पुलिस फोर्स हम आपको पूरी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स अपने इंतजाम में खड़ी हुई है। पुलिस फोर्स ने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया है। नैतिक जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। नगर मजिस्ट्रेट साहब भी यहां पर खड़े हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, और भारतीय किसान यूनियन वेदी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये भारतीय किसान यूनियन वेदी के कार्यकर्ता, इनको रेलवे ट्रैक पर प्रशासन ने जाने से रोक दिया तो यहीं धरने पर बैठ गए रेलवे स्टेशन के बाहर गेट पर। हम आपको दिखा रहे हैं देखिए, क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको यहां पर रोका गया है। आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो, ट्रेन ना रोकी जाए, इसलिए इनको बाहर ही रोक दिया गया है। कोरोना काल से वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, आगे ये किसान आंदोलन चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक को रोकने की कोशिश की गई लेकिन प्रशासन ने इनको इसमें कामयाब नहीं होने दिया, यहाँ पर रोक दिया और यहाँ पर धरने बैठ गए हैं भारतीय किसान यूनियन वेदी के कार्यकर्ता। और बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन वेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ राहुल वेदी साहब मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप बताइए कि आप रेलवे ट्रैक रोकने के लिए यहाँ पर आए, आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आपकी सरकस से कितने लोग परेशान हो सकते हैं। रेलवे ट्रैक रोक के क्या कानून वापस हो जाएंगे, जवाब दीजिए। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि सरकार की इन हरकतों से कितने किसान परेशान हैं। सरकार को भी दिखाओ ना ये चीज़ कि कितना किसान परेशान है, कितना मजदूर परेशान है। तो अगर सरकार को नहीं किसान मजदूरों की चिंता हो रही तो फिर हम किसी की चिंता क्यों करें। सरकार ने ऐसा कर क्या दिया है? सरकार का कहना है, भारत सरकार कह रही है, 3 कृषि बिल जो लाए हैं किसान के फायदे के लिए, किसान की आय को बढ़ाने के लिए ये बिल लाए गए हैं, फिर आप लोग इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, क्या दिक्कत महसूस हो रही है? अगर मैं आपको कोई चीज़ दूँ वो आपके फायदे की ना हो और आप ना लेना चाहें, मैं जबरदस्ती क्यों दूंगा आपको और जबरदस्ती क्यों लेंगे आप? तो यही मैं पहले कहना चाहूँगा, आप सच्चाई दिखाइए। आप यहाँ धरने पर क्यों बैठे हो? हम धरने पर ये बैठे हैं कि जब तक ये मोदी जी ये काले कानून वापस नहीं लेंगे हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। चलिए बात करेंगे, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब और राष्ट्रीय महासचिव साहब भी मौजूद है कारी नौसाद राव साहब। कारी नौसाद राव साहब, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन वेदी के, क्या जनता की समस्याओं का समाधान कराने के यही तरीके हैं क्या? रेलवे ट्रक जाम करने के लिए आ गए आप? जय जवान जय किसान, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये तरीका सही नहीं है, ना हमने तरीके का कोई उल्लंघन किया, ये एक विरोध जताने, ये तो हो ही गया था। अगर प्रशासन इसमें आपको ना रोकती हो ही गया था, प्रशासन ने अच्छी भूमिका निभाई। हम चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये सही है क्या हमारे 214 किसान भाई जो मजदूर ठंड के अंदर मर चुके हैं और उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जबान पर एक लफ्ज भी तक नहीं आया, कोई श्रद्धांजलि तक नहीं आई? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक कॉल दूर है, कॉल ही तो दूर है, प्रधानमंत्री जी ने ये लफ्ज कहा है कि मुझे दुख है कि इस ठंड के अंदर मेरे बुजुर्ग किसान लोग जो अन्नदाता कहलाते हैं और वो मर चुके हैं 214 के करीब, और कितने जीवन की बलिदान जाएगा किस आंदोलन के लिए, जब कोई चीज मेरे लिए फायदे के लिए बनाई और वो मुझे पसंद नहीं है तो क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं हमारे पर? चलिए बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब, आप बताइए, आपके राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि इतने लोग मर गए हैं, मोदी जी इनकी सूझ नहीं ले रहे, बात नहीं कर रहे, आपको तो मालूम होना चाहिए, लगभग 11-12 मीटिंग कर चुकी सरकार किसानों के साथ, संशोधन के लिए सरकार तैयार है, आप लोग मानने को तैयार नहीं, किसी भी तरीके से नहीं मान रहे किसान, सरकार तो संशोधन के लिए बिल्कुल तैयार है। संशोधन की तो जरूरत ही नहीं है, हमारा तो सीधा सीधा कहना है, तीनों कानून वापस ले लो और एक किसान और सरकार की कमेटी बनाओ और MSP पर कानून बनाओ। MSP पर जब कानून बनेगा तो भी छोटे बड़े किसान को उसके अनाज का सही दाम मिलेगा, उसकी फसल का सही दाम मिलेगा। अब मोदी जी तो हिटलर बन के बैठ गए, हिटलर है, मैंने बिल पास कर दिया लॉकडाउन में चोर दरवाजे से और इसे किसान मान ले, हम तो नहीं मानते। एक कॉल दूर है,
एक कॉल दूर छोड़ जाओ, एक देश दूर चले जाओ, हम मानते नहीं इस बात को। ये तीनों बिल वापिस होंगे जब तक किसान का आंदोलन जारी रहेगा, जब तक ये वापिस नहीं होंगे। और हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमने अभी भी प्रशासन को कहा भाई लाठी चलानी लाठी चला लो और मामा बंद करने बंद कर दो, हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों, हमने दिखाई भारतीय किसान यूनियन वेदी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर है और ये रेलवे जाम करना चाहते थे, रेल की पटरियों पे जाना चाहते थे, वहाँ पढ़ना चाहते थे, लेकिन मुबारकबाद की मुस्तैदी के सहारनपुर की प्रशासन जिन्होंने पुलिस जवानों ने इनको रोक लिया और यहीं पर बिठा दिया, अंदर तक जाने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आप लोगों को तमाम यहाँ की कवरेज करके दिखाई है, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन वेदी के लोग आए थे रेलवे ट्रक जाम करने के लिए, लेकिन पुलिस बल ने इनको रोका। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यात्रियों को परेशान करने की साजिश जो रची जा रही थी किसानों द्वारा, इसको नाकाम कर दिया है सहारनपुर की पुलिस ने। मैं हूँ आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ सहारनपुर।